वी आर एट अ होम फॉर अ शूट एंड इट्स सो हैपेंड दैट आप जो चाहते हैं ना वो अक्सर कभी कभी वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं. तो हम यहाँ आए हैं शूट करने के लिए, तो बारिश चालू हो गई. बारिश चालू हो गई तो हमने आउनिंग को बाहर निकाला, तो उसमें बारिश जो गिर रही थी दैट समवेयर मेरी जो आवाज़ है उस पर वो हावी हो गई, तो हमने शूट को स्टॉप करना पड़ा. फिर शूट चालू किया तो पीछे डक्स हैं, तो डक्स ने बड़ा जोर आवाज़ करना चालू किया. तो ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात है वो नहीं चाहती हम शूट करें. तो वी लिसन टू दैट कॉल ऑफ नेचर एंड वी सेड लेट्स स्टॉप शूटिंग. और हम लोग सब बैठ गए कुछ देर पहले, और हम जितनी मेरी टीम साथ में, और हमने साइलेंस में जाके इस माहौल का हमने कहा लेट्स टेक इसका आनंद लेते हैं, लेट्स टेक द प्लेजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. और पिछले कुछ मिनट बड़े अच्छे निकले, और नाउ वी आर ऑल पम्प्ड अप टू अगेन स्टार्ट द शूट. सो थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू कि कभी कभी डिस्टर्बेंसेस अच्छे होते हैं. आपके हिसाब से ज़िंदगी ना हो तो ठीक है, उसके हिसाब से हो रही है ना, तो उसके हिसाब से हो रही तो अच्छी हो रही है. तो आई थिंक ही taught us that relax, let me take charge for some time. And वो बोलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर आपके हिसाब से हो रही तो अच्छा है, और अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से हो रही है. आई थिंक डिस्टर्बेंसेज.